अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स फैमिली। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज वीडियो का टॉपिक है फिंचेस, जावा, बेंगलाइज वगैरह। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो फिंचेस पर काम करना चाहते हैं, जावा लगाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब उन्हें इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिंचेस की। फिंचेस में सिंपल फिंचेस, ब्लैक चिक और वाइट चिक, इसकी मार्केट प्राइस इस टाइम 800 से 1000 रुपए तक आपको अच्छा पेयर मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इनकी डाइट की। डाइट में आप इन्हें गोल्ड कंगनी, देसी कंगनी, इसके साथ आप इसे एग ब्रेड का इस्तेमाल करवाएंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी फिंच आपने लगानी है उसे आपने कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स देना है, क्योंकि हर फिंच जो है वो 8 से 10 समटाइम 12 अंडे लेइंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से फीमेल्स में कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है। तो अगर आप इन्हें प्रॉपर कैल्शियम की डोज नहीं देंगे तो फीमेल्स को एग बैंडिंग की शिकायत हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप इन्हें प्रॉपर कैल्शियम प्रोवाइड करें। अब आप कैल्शियम का एक आसान सोर्स, आप एग के शेल लेकर उसे क्रश कर लें, और जो सॉफ्ट फूड आप इन्हें यूज़ करवाते हैं उसमें आप उसे मिक्स करके इन्हें यूज़ करवा सकते हैं। तो जहाँ तक फिंच की ब्रीडिंग की बात है तो बहुत ही अच्छा ब्रीडर है, बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है। इसे आप 1x1 भी लगा सकते हैं और आप इसे क्लोनी में भी लगा सकते हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं जावा की। जावा एक कमर्शियल बर्ड है, डिमांडेड बर्ड है, और इस टाइम इसकी बहुत अच्छी प्राइस चल रही है। जावा में 4 कलर अवेलेबल होते हैं, वाइट, सिल्वर, फॉन और ब्लैक। डिफरेंट कलर की डिफरेंट प्राइस हैं। जावा का इस टाइम पेड़ जो है वो तकरीबन 2500 से लेकर आपको 16000 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। जावा एक बहुत ही अच्छा ब्रीडर है, चावल बहुत खुश होकर खाता है। आप इसे उबले हुए चावल रोस्ट प्रोवाइड करें, उसके साथ आप इसके दाने में मूंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। आप इसे गोल्ड कंगनी, देसी कंगनी और कनेरी वगैरह भी यूज़ करवाएँ। जहाँ तक इसकी ब्रीड की बात है तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है। आप इसे क्लोनी में भी लगा सकते हैं, आप इसे 1x1 भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा पर्सनल लेना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी जावा लगाएं इसे क्लोनी में लगाएं, क्योंकि क्लोनी में ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है। जावा पानी में बहुत इंजॉय करता है। आपने जब भी इसे क्लोनी में लगाना है आपने पानी वाले पॉट के साथ साथ खुले बर्तन में पानी रखना है। ये पानी में नहाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं गोल्ड ईयर की। गोल्ड ईयर एक अच्छा ब्रीडर नहीं है। बहुत प्यारा बर्ड है, देखने में बहुत प्यारा है, बहुत डिमांड है इसकी। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4000 से लेकर 25000 तक इस टाइम इसकी मार्केट प्राइस जा रही है। इसके कलर पे डिपेंड करता है कि किस कलर की म्यूटेशन आपके पास लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड ईयर का शौक रखते हैं तो गोल्ड ईयर को लगाकर आपके पास सबसे पहले बेंगलाइज के पेयर होने चाहिए, जिसके नीचे आप इनके एग फॉस्टर कर सकें। याद रखें, जब भी आप गोल्ड ईयर लगाएं बेंगलाइज ज़रूर लगा लिया करें। बेंगलाइज एक बहुत ही अच्छा ब्रीडर है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को फीड करवा के उन्हें सेल्स करता है। गोल्ड ईयर के एग बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करके इजीली इससे ब्रीड ले सकते हैं। तकरीबन तमाम फिंची जो हैं इनकी डाइट सेम है, इनके कैल्शियम का सोर्स सेम है, अच्छी ब्रीड करते हैं। तो जो भाई लगाना चाहते हैं, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि वो इन म्यूटेशन में अगर आना चाहती हैं तो मैं उन्हें जावा प्रेफर करूँगा कि आप जावा लगाएँ, और किसी फिंच पर टाइम ज़ाया करने की बजाय आप जावा लगाएं। जावा एक अच्छा कमर्शियल बर्ड है, तेज़ी के साथ ब्रीड करता है। इनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो तकरीबन 11 दिन में इनके एग से चिक निकल आते हैं और आगे 15 से 20 डे में चिक जो है वो सेल्फ हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।